तुलना जो कर रहे हैं कैसा दिखती है इसको आप? कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताऊँ आप जिस आदमी, मैं उनको बहुत समझाती भी हूँ, मैं फिर समझाऊँगी, दादा भाई बोलती हूँ मैं उनको, दादा भाई वाणी पर कंट्रोल करो, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं तुम्हारी अपनी जीभ के अलावा। दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो उनकी खुद की जीभ है, और वही कांग्रेस को ले डूबी। आपको पता है हमें कांग्रेस से मतलब ही नहीं रखना, क्योंकि कांग्रेस को ख़त्म करने का काम राहुल गांधी कर देते हैं, रही सही कसर दिग्विजय सिंह कर देते हैं। मैं फिर उनको सलाह दूंगी, मैं सही में उनको बहुत मानती हूँ, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, दादा है मेरे, बड़े भाई हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि दादा वाणी पर संयम रखो, सोच समझ के बोलो, इतने ज्ञानी हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, विदेश में पढ़ के इंजीनियर बन के आए, हम गांव देहात के आदमी हैं, लेकिन फिर भी हम नर्मदा किनारे से आपको सलाह दे रहे हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करो। काशी और मथुरा में भी कहना एक प्रधानमंत्री है, ये दुर्बुद्धि का सूचक है, असहायता का सूचक है, और ये कायरता का सूचक है कि जब आपने देखा होगा जब आदमी कहीं मुकाबले में नहीं रहता है तो वो गालियां देके ही खुश हो लेता है। किसी मुकाबले में नहीं है, कहीं टिकते नहीं है, जीरो लेवल के, मतलब 100 और 0 की तुलना वाली स्थिति है कि ये 0 पे हैं, वो 100 पे खड़े हैं। मैं तो मोदी जी को बहुत ही दृढ़ निश्चयी, वज्र के समान कठोर, फूल के समान कोमल, दृढ़ आस्थावान, मृत्यु से भय नहीं, उनका मुकाबला अभी तो ना भाजपा में है और ना भाजपा के किसी अन्य राजनीतिक दल में है। दिग्विजय, सबसे पहली चीज़ है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। दूसरा धरातल क्या है? निजी जीवन की शुचिता। तीसरा धरातल क्या है? संगठन की बहुत बड़ी ताकत। तीनों ने मोदी का व्यक्तित्व बनाया है, इसलिए जब तक ऐसा व्यक्तित्ववान व्यक्ति 10-20 साल में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मोदी से आँख नहीं मिला सकता। कल विपक्ष ने कहा, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।